बिग बॉस सीजन 15 में इन दिनों जमकर ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं। कंटेस्टेंट के बीच लड़ाई झगड़े और खींचतान आम हो चली है। तो वहीं इन सबके बीच हाल ही में बिग बॉस के घर में बिग बॉस ओटीटी के फाइनलिस्ट रहे नेहा भसीन और राकेश बापट की वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री हुई है। नेहा भसीन और राकेश बापट की एंट्री से जहाँ समिता शेट्टी काफ़ी खुश नजर आई और उन्होंने नेहा भसीन को देखते ही दौड़कर उन्हें गले लगाया, तो वहीं घर में कुछ सदस्य ऐसे थे जिन्हें इन दोनों की एंट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो वहीं बिग बॉस के घर में प्रवेश करते ही नेहा भसीन ने अपना खेल शुरू कर दिया है। एक तरफ वे करण कुंद्रा को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि उन्हें दूसरों की बातें पीठ पीछे करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि नेहा भसीन जो प्रतीक सहजपाल की सबसे अच्छी दोस्त थी वह उन्हें भी चेतावनी देती नजर आई। दरअसल प्रतीक सहजपाल नेहा को गले लगाने आते हैं लेकिन नेहा उन्हें पीछे ढकेल देती हैं क्योंकि वह नहीं चाहती कि प्रतीक उन्हें गले लगाए। इसके साथ ही वह प्रतीक को आगे से उनसे दूरी बनाए रखने की हिदायत भी देती नजर आई। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या समय बीतने के साथ इनकी दुश्मनी दोस्ती में बदलती है या फिर बिग बॉस के मेकर्स ने कुछ अलग ही ट्विस्ट प्लान कर रखा है।